प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। हमीरपुर में गत दिवस 5 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ हुए रेप के मामले पर कांग्रेस ने हमीरपुर गांधी चौक पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। हमीरपुर में गत दिवस 5 साल के नेपाली मूल की बच्ची के साथ हुए रेप मामले पर कांग्रेस ने हमीरपुर गांधी चौक पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीपक शर्मा, अजय शर्मा के अलावा काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं ने इस अवसर पर बीजेपी सरकार पर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराने का आरोप जड़ा और जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। हाल ही में हमीरपुर में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से, जब से जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन हुई है, तब से लेके ये महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के मामले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि अभी पीछे एक सोलन में भी ऐसी घटना हुई, बिलासपुर में भी ऐसी घटना हुई, आज हमीरपुर में भी उसकी पुनरावृत्ति हुई है। जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। और एक हमीरपुर जिला में एक और घटनाक्रम हुआ है, स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने भी एक नाबालिग लड़की के साथ जो है वो उनका भी एक मामला प्रकाश में आया है। तो इस तरह की कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश को भी, आज हिमाचल प्रदेश जो है वो पीछे छोड़ने के उसके मुकाबले में जो है वो आगे निकल रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी इन घटनाओं की कड़ी निंदा भी करती है और प्रदेश सरकार की जो ऐसी घटनाओं के साथ निपटने की जो नीति है वो भी मैं समझता हूँ कि पर्याप्त नहीं है। और इस तरह की घटनाओं का बढ़ना जो है वो प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी जो हिमाचल की जो एक संस्कृति है, हिमाचल की जो एक सभ्यता और हिमाचल के लोगों को जो एक शांति के दूत के रूप में, बहादुरी के एंगल से देखा जाता है, सारी चीज़ों को एक कलंकित करने वाली घटना है जो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इस सरकार की रहनुमाई में होता है। जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की जब से सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बुरी तरह फेल हुई है। और आज जो हिमाचल प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है वो बुरी तरह से असफल हुआ है। जहाँ तक पूरे चाहे शिमला की बात हो, चाहे सोलन की बात हो, चाहे बिलासपुर की बात हो, हमीरपुर की बात हो, पूरे प्रदेश भर में जब से भाजपा की सरकार आई है जघन्य अपराध, लाचकार के मामले, चोरियों के मामले और नशाखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज हर वर्ग विशेषकर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी। हाल ही में हमीरपुर जिला में चाहे एक बरसठ विधानसभा क्षेत्र की बात हो, वहाँ पर जिस तरह से मुख्याध्यापक ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, और अभी एक दिन पहले हमीरपुर स्थानीय में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। हम चाहते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की उस बच्ची को न्याय मिले और उस बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमीरपुर में बढ़ते हुए अपराधों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। और जिस तरह से आज जिला के अंदर आपराधिक मामले, चाहे वो चोरी के मामले हों, चाहे वो बलात्कार के मामले हों, चाहे हमीरपुर जिला में ऐसे नशाखोरी के मामले हों, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। यही आज जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुद्दे के सामने मांग रखी है कि इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और इस बच्चे के साथ जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। और जिला जो है अपने आप को हर वक्त जो है, और महिलाएं विशेषकर जो है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कार्यक्रम में वक्त चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।